अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द तस्मीर किचन। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ डाइट रोटी। ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जो डाइट तो करना चाहते हैं मगर रोटी खाना नहीं छोड़ सकते। चले आए स्टार्ट करते हैं। वाइट ओट्स, ये आपको बआसानी किसी भी मार्केट से या मार्ट से या ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएंगे। वाइट ओट्स जिसे जौ का दलिया भी कहते हैं, उसे ला के आप अच्छी तरह पहले ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा नॉर्मल गंदम का आटा मिला के रख लीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ये जार में पीस के रख लिया है। अब अगर मुझे चाहिए एक रोटी के लिए तो मैं लूँगी 3 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। तो उसको आप नॉर्मल पानी से इस तरह गून लीजिए। और ये असल में थोड़ा ग्रेइश सा कलर आ जाएगा, इससे आप परेशान नहीं होइएगा कि ये ख़राब आटा है या क्या है या इस तरह का कलर क्यों है। ये ग्रेइश सा इसका कलर ही ऐसा होता है। ये आपको किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जिस कंपनी का यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेकर कंपनी का यूज़ करती हूँ वाइट ओट्स। और ये देखें इस तरह से इसकी ये डो बन जाएगी। ये इसकी डो जो है ज़रा हार्ड सी बनेगी, तो आप इससे परेशान मत होइएगा। इसको बेलने में भी जो है ना ज़रा वो सख्तपन इसका आता है, बहुत ज़रा इसकी हार्ड रोटी होती है। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल एहतियात से बेलेगी। किनारे इसके ऐसे ही रहेंगे थोड़े फटे फटे से, ये ऐसे ही बनेगी। इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये रोटी भी इसकी बन सकती है ओट्स की। और ये थोड़ी सी मोटी अगर बनेगी तो सही रहेगी, वरना ज़्यादा बारीक बेलने के चक्कर में ये है टूट जाएगी। इसकी सिकाई भी इस तरह होगी, बिल्कुल एहतियात से। ये देखें टूटने का भी डर होता है इसका, लेकिन ये क्या हेल्दी है, इससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। बहुत कम कैलोरीज हैं इसमें। एक रोटी आप एक मील में आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये रोटी हमारी तैयार हो गई। लेट्स गो टू ईट नाउ।